हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हमारा टॉपिक है मे एंड माइट का कन्फ्यूज़न। मे और माइट में कन्फ्यूज़न तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा होती है। हर एक दूसरे इंसान को मे और माइट में कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं जा कर के हो ही जाती है। तो अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मे और माइट का कन्फ्यूज़न आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में मे और माइट के सारे कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। मे माइट में अंतर क्या होता है, कहाँ मे का प्रयोग करते हैं, कहाँ माइट का प्रयोग करते हैं, एवरीथिंग आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मे माइट होता क्या है, कहां प्रयोग करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक तो होता है मे, महीना, ठीक है। मई का महीना को भी हम लोग मे ही पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक तो ये मे होता है, ठीक है। अब दूसरे मे पे आते हैं। मैंने सारे टाइप वाइज आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए, मे और माइट थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। मे माइट जो होते हैं वो भाई भाई होते हैं, ठीक है। दोनों भाई भाई होते हैं, दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है, ठीक है। ये बात जानते हैं आप। तो दोनों का प्रयोग हमें संभावना व्यक्त करने के लिए ही करना है। दोनों का प्रयोग हमें संभावना व्यक्त करने के लिए ही करना है। हो सकता है या फिर मुमकिन है, अगर वाक्य में आया हुआ हो तो इसका मतलब है कि संभावना व्यक्त हो रही है उस वाक्य में, और वहाँ पे हमें या तो मे का प्रयोग करना है या तो माइट का प्रयोग करना है। कहाँ पे मे का प्रयोग करना है, कहाँ पे माइट का प्रयोग करना है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। दोनों को साथ में पढ़ेंगे, दोनों को समझ के पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहला टाइप देखते हैं। टाइप वन, आज्ञा मतलब परमिशन लेते और देते वक्त। ये तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता ही होगा कि परमिशन लेते वक्त और देते वक्त हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बचपन से ही आपको ये पता होगा कि हम लोग अपने टीचर्स को बोर करते आए हैं क्या क्या कह करके, कि मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, इतने सारे क्वेश्चंस करके हम लोग अपने टीचर्स को बोर करते आए हैं। तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से इन वर्ड से, इन सेंटेंसेस से वाकिफ होंगे, ठीक है। तो मे का प्रयोग परमिशन लेते वक्त और देते वक्त मे का प्रयोग करते हैं, ये क्लियर है। क्या है मे आई कम इन, मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू मे गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, ठीक है। आज्ञा लेते वक्त और देते वक्त हमें मे का प्रयोग करना है, क्लियर है। अब दूसरे टाइप पे आते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप हमारा क्या कह रहा है, तमन्ना इच्छा मनोकामना व्यक्त करते वक्त मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तमन्ना इच्छा मनोकामना देखा जाए तो तीनों एक ही चीज़ है, मतलब कि जो आपकी इच्छा है किसी के प्रति उसको व्यक्त करने के लिए हमें मे का प्रयोग करना रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, यू मे लीव लॉन्ग, ये हमारी इच्छा है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है। हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है। तो ये हमारी इच्छा है, या फिर आप कह सकते हैं कि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो हम क्या बोलते हैं, यू मे लीव लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। अब हम लोग हिंदी में भगवान तुम्हारा भला करे तो बोलते नहीं, हम लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इसका मतलब ये होता है भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तो अपनी कृपा तुम्हारे पे बनाए रखे, ठीक है। तो अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए हमें मे का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप वन और टाइप टू तो हमारा बहुत ही कॉमन होता है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। फिर भी जिसको नहीं पता है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर है। आगे आते हैं थर्ड टाइप पे, थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा कि थर्ड टाइप हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। जब संभावना ज़्यादा होती है तो मे का प्रयोग करते हैं, जब संभावना ज़्यादा होती है तो मे का प्रयोग करते हैं, जब संभावना बहुत कम होती है तो माइट का प्रयोग करते हैं। थर्ड टाइप हमारा कह रहा है कि जब वाक्य में संभावना, किसी भी चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है तो मे का प्रयोग करते हैं, जब संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है तो हमें माइट का प्रयोग करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स समझते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, देखते हैं। हो सकता है आज हम बाज़ार जाएँ, ठीक है। ये हमारा वाक्य है, हो सकता है आज हम बाज़ार जाएं, ठीक है। अब इसमें संभावना ज़्यादा की बात हो रही है, आज का तो लोगों का क्लियर होता है कि आज हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो संभावना उस काम की ज़्यादा रहती है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है हो सकता है आज हम बाज़ार जाएं, तो आज की बात है तो हो सकता है कि आज हम बाज़ार जाएं, ये तो कन्फर्म ही है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मे का प्रयोग करना है, वी मे गो टू द मार्केट टूडे, ठीक है। यहाँ पर संभावना ज़्यादा है तो हमें मे का प्रयोग करना है। अब आगे वाक्य देखते हैं, हो सकता है कल हम बाज़ार जाएं,
हो सकता है कल हम बाजार जाएं। अब कल की बात करनी है, अब कल का तो पता नहीं, कल तो किसी ने देखा नहीं है, बट हाँ हम लोग गैस कर सकते हैं, संभावना कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कल हम बाजार जाएं, ये भी हो सकता है कि कल हम बाजार ना जाएं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कन्फर्म है उस चीज़ को लेकर के। अगर आप कन्फर्म है कि हाँ कल हम जाएंगे ही जाएंगे, संभावना हमारी ज़्यादा है कल जाने की, तो हम मे का प्रयोग करेंगे। अगर संभावना हमारी बहुत कम है, बस हम एक बात ही कह रहे हैं कि यार हो सकता है जाएं, हो सकता है ना भी जाएं, तो हमें वहाँ पे माइट का प्रयोग करना है। दोनों वाक्य हमारे सेम ही हैं, बट हाँ इसमें संभावना ज़्यादा है तो हमें मे का प्रयोग करना है, इसमें संभावना बहुत कम है तो हमें माइट का प्रयोग करना है। सो वी माइट गो टू द मार्केट टुमारो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो जिस काम को कह रहे हैं करने के लिए उसमें कितनी संभावना है, कितनी संभावना कम है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। हो सकता है हम आज खाना ना खाएं, आज की बात हो रही है कि हो सकता है हम खा भी लें, हो सकता है ना भी खाएं, तो हमें यहाँ पे मे का प्रयोग करना है, ठीक है। देखा जाए तो खाना की बात है तो ज़्यादातर लोग खा ही लेंगे, ठीक है। सो वी मे नॉट हैव फूड टुडे, खाना खाने का हैव फूड आजकल प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सो वी मे नॉट हैव फूड टुडे, क्लियर है। आगे देखते हैं, हो सकता है वह मंगलवार को यहाँ आए, मंगलवार की बात हो रही है, पता नहीं मंगलवार को आएगा नहीं आएगा, नहीं पता, ठीक। यहाँ पे हमें माइट का प्रयोग करना है, ही माइट कम हेयर ऑन ट्यूजडे, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि मंगलवार को ही, हो सकता है कि सोमवार को आ जाए, हो सकता है बुधवार को आ जाए, ठीक है। ये तो डिपेंड्स करता है उस समय की बात पे। क्लियर हो रहे होंगे सेंटेंसेस आपके, सीधी सी बात है, संभावना ज़्यादा होगी तो मे का प्रयोग, संभावना कम होगी तो माइट का प्रयोग। ये आप पे डिपेंड करता है कि संभावना कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप क्या है, किसी और के बात सुनकर जब आप उस बात को किसी और को बताते हैं तो माइट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, हो सकता है मैं लंदन जाऊं, मैंने कहा हो सकता है मैं लंदन जाऊं, तो संभावना यहां पे ज़्यादा है कि हो सकता है मैं लंदन जाऊं, आई मे गो टू लंदन, ठीक है, मैंने कहा आई मे गो टू लंदन। आगे है सेंटेंस, यहाँ पे क्या बोला है कि जब आप किसी की बात को सुन करके किसी और को बताते हैं तो वहाँ पे माइट का प्रयोग करते हैं। सो राजेश ने कहा हो सकता है वह लंदन जाए, आपने राजेश की बात किसी और को आप बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राजेश सेड ही माइट गो टू लंदन। यहाँ पे मैंने बोला ना, जब आप किसी की बात को सुन करके किसी और को बताते हैं तो वहाँ पे माइट का प्रयोग करते हैं। सो राजेश ने कहा हो सकता है वह लंदन जाए, राजेश सेड ही माइट गो टू लंदन, यहाँ पे मैं था, यहाँ पे माइट हो गया, यहाँ पे राजेश ने खुद कहा, यहाँ पे राजेश की बात आपने बताई है, ठीक है। नेक्स्ट, मुमकिन है मैं चला जाऊँ, मुमकिन है मैं चला जाऊँ, आई मे गो अवे, क्या हो सकता है मैं चला जाऊँ। आगे संजना ने कहा हो सकता है वह चला जाए, ठीक है, अब किसी और ने संजना की बात सुन करके किसी और को बता रही है, क्या संजना सेड ही माइट गो अवे, क्लियर हो रहे हैं सेंटेंसेस, समझ में आ रहा है। इसके दो टाइप और हैं, दो टाइप और हैं जहाँ पे हमें माइट का प्रयोग करना है। फिफ्थ टाइप इज किसी को विनम्रता से सुझाव देते वक्त माइट का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी को सुझाव देते हैं, पोलाइटली सुझाव देते हैं कि दैट तुम्हें ये करना चाहिए, ये बात है, ठीक है, हम लोग जब आप किसी को सुझाव देते हैं पोलाइटली बड़े प्यार से, तो वहाँ पे भी हमें माइट का प्रयोग करना है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मेरे ख्याल से वह तुम्हारे लिए सही साथी नहीं होगा, मैंने किसी को सुझाव दिया है कि कोई है तो तुमने पार्टनर चुना है, वह तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और इसमें संभावना भी देखा जाए तो बहुत कम है, ये मेरे हिसाब से है कि वह तुम्हारे लिए सही साथी नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारे हिसाब से वो तुम्हारे लिए सही साथी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है, तो आई थिंक ही माइट नॉट बी द राइट पार्टनर फॉर यू, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे लगता है तुम गलत हो सकते हो, आई थिंक यू माइट बी रॉन्ग, ठीक है, संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं, पोलाइटली हम आपको बता रहे हैं कि आप गलत हो सकते हैं, लेकिन इसमें संभावना भी ये है कि ये मुझे लगता है कि आप गलत हो सकते हो, ठीक है, ये आपको लग सकता है कि आप सही हैं, ठीक है, आई थिंक यू माइट बी रॉन्ग, क्लियर है। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट टाइप इज कोई संभावना हो जो पास्ट में है, ठीक है, किसी संभावना की बात हो रही है जो पास्ट की है, माइट
जो है वो मे का थर्ड फॉर्म होता है, माइट जो है वो मे का थर्ड फॉर्म होता है, परंतु वाक्य में हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई वाक्य है जो पास्ट में है, संभावना ही व्यक्त कर रहा है लेकिन वह पास्ट में है, तो मे का थर्ड फॉर्म माइट होता है, ये तो क्लियर है। तो माइट का तो हमें प्रयोग करना ही करना है, लेकिन माइट के साथ हमें हैव का भी प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हो सकता है पेन मुझसे टूट गया होगा, ठीक है, संभावना ही व्यक्त हो रही है, बहुत कम संभावना व्यक्त हो रही है कि हो सकता है ये पेन मुझसे टूट गया होगा। तो आई माइट हैव ब्रोकन पेन, ठीक है, आई माइट हैव ब्रोकन पेन। नेक्स्ट है, हो सकता है उसने उसे मार दिया होगा, ही माइट हैव किल्ड हिम। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि माइट हैव, मे हैव सबके साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मे एंड माइट का कन्फ्यूजन। मुझे लगता है इन छः टाइप से, छः कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि मे और माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका क्या सवाल है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही ग्रामर के और भी टॉपिक्स में आगे लेकर आने वाली हूँ, तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।